जिस गुजरात को लेकर नरेंद्र भाई को लेकर कांग्रेस पार्टी शोर शराबा मचाती है और यह कहती है कि वहां गुजरात में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ है। बहनों भाइयों, नरेंद्र भाई के 12 वर्षों के शासनकाल में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। केवल एक बार दंगा हो गया, लेकिन 12 वर्षों में दोबारा कोई दूसरा दंगा गुजरात में नहीं होने पाया। उसका श्रेय भी यदि जाता है तो नरेंद्र भाई को उसका श्रेय जाता है। परिवर्तन का एहसास जैसा पश्चिमी बंगाल को होना चाहिए था, जिस तेजी के साथ परिवर्तन का एहसास पश्चिमी बंगाल की जनता को होना चाहिए था, वह परिवर्तन का एहसास तेजी के साथ नहीं हो रहा है। मैं यह भी जानता हूं 2,26,000 करोड़ रुपए का कर्ज यहां पश्चिमी बंगाल की सरकार के ऊपर है। स्टेट गवर्नमेंट की माली हालत को सीपीएम ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। पश्चिमी बंगाल को सीपीएम ने खोखला बना दिया है। यदि यहां की सरकार 28,000 करोड़ रुपए की देनदारी 2-3 साल के लिए स्थगित करने की मांग करती है तो इसे स्थगित किया जाना चाहिए। जब यहां सीपीएम की हुकूमत थी तो बहनों भाइयों 2 करोड़ से अधिक यहां पर गरीबों की संख्या हुआ करती थी। आज वह संख्या थोड़ी कम हुई है। ग्रीस या यूनान की जब अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी तो पूरे यूरोपियन यूनियन ने मिलकर उसे बेल आउट पैकेज देने का काम किया था। यहां की टीएमसी सरकार को देखते हुए नहीं, बल्कि पश्चिमी बंगाल की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए यहां भी कुछ न कुछ वैसी ही बेल आउट पैकेज यहां की जनता को दिया जाना चाहिए, ताकि यहां की जनता को कुछ राहत मिल सके।